ने कैसे अपना मोटो जी 34 जो कि एक न्यू स्मार्टफोन निकला उसमें स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम आउट का मतलब होता है जैसे आप फोन रखें कहीं में तो बहुत ही जल्दी वो ऑफ हो जाती है, तो कैसे आप यहाँ पे 1 मिनट का सेट कर सकते हैं, 2 मिनट का, 3 मिनट, 4, 5 या इस तरह का यहाँ पे आधा घंटा का भी सेट कर सकते हैं, तो उस तरह आप कैसे स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स कर सकते हैं। तो कैसे करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ले चलता हूँ फोन डिस्प्ले पे। तो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कीजिएगा और ले चलता हूँ फोन डिस्प्ले पे। करना हुआ सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस होने लगा, तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल के आ जाने के, नीचे स्क्रॉल के आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख पाओ तो यहाँ पे डिस्प्ले करके ऑप्शन आपको दिख रहा हो, तो सिंपली आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे क्लिक कर देने की। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिला, तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल के आ जाने की, नीचे स्क्रॉल के आने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन टाइम आउट देख पाओ तो स्क्रीन टाइम आउट, तो स्क्रीन टाइम आउट पे क्लिक करना होगा। स्क्रीन टाइम आउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, तो सारा यहाँ पे टाइमिंग है, जितना टाइम का आप सेट करना चाहते हो उतना आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, आपका जो भी मन है वो सेट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना मोटो जी 24 पावर में आप स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो इसका लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।